पूछो, आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मालूम है कि पुलिस ने एम्बुलेंस में भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बैरिया के नेतृत्व में अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में हल्दी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें उप निरीक्षक हरेंद्र प्रताप सिंह को मुखबिर की खास सूचना मिली कि दो व्यक्तियों के द्वारा एम्बुलेंस व सुमो गोल्ड में बलिया से अंग्रेजी शराब लेकर हल्दी थाना के रास्ते बिहार जाने वाले हैं। क्या है मामला? जी, हल्दी थाने में आज सुबह दो गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी है, जिसमें कि अवैध शराब जो है स्मगल करके बिहार ले जाई जा रही थी। इसमें दो अभियुक्त भी गिरफ्तारी में आए हैं। एक गाड़ी टाटा सुमो है और एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में ये शराब जो है छुपा कर ले जाई जा रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर एम्बुलेंस को रुकवा कर जब चेक किया गया तो उसमें छुपा कर ये शराब ले जाई जा रही थी। लगभग 170 लीटर शराब है, जिसकी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए से अधिक है। इसमें दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ इनके संपर्क कौन किन व्यक्तियों से है और किस प्रकार से घटना कारित की जा रही थी, इस बारे में मुकदमा लिखकर जांच की। सर, ये एम्बुलेंस कहाँ की है? जी, एम्बुलेंस की भी अभी जांच की जा रही है और इस पर किस कौन इसका मालिक है और ये कहाँ की एम्बुलेंस है, कहाँ कार्य करती थी एम्बुलेंस, इसकी जाँच की जा रही है और इसमें RTO द्वारा जो जांच आख्या आएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।